ओम शांति। मुरली का तारीख है 14/3/2021। अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज 18/11/87। साइलेंस पावर, जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। यह रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है, या शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र है। है सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबर वार है शांति की शक्ति। सारे विश्व को अशांति से शांत बनाने वाली है। ना सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो, और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो। लेकिन वाणी की शक्ति वहां स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ है। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति की शक्ति के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, ऐसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव करने वाले को यह सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वहां फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, वहां भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे जब आप शुभ भावना, स्नेह के भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे, तो जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उनों में भी उत्पन्न होगी। आपकी शुभ भावना उनों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस के शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस है, ऐसे या शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसीलिए यह सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसीलिए इसका अनुभव नहीं है, वह सहज लगता है या मेहनत का लगता है, लेकिन समय
परिवर्तन प्रमाण या शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसीलिए हे शांति देवा, श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। ऐसे शांति के शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल, वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसीलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो, जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो या वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज्यादा वाद विवाद में आ जाता है। उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना, एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी यह साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ आंचली मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति ही ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है, वह अल्पकाल का अनुभव भी करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी हैं और प्रयोग करने वाली कितनी हैं। उसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुखता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखता का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व एक घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। एक सेकेंड व एक मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो यह एक मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती। जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे यह कैसे हो सकता है। सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना। सेंटर पर या ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो, वहां कभी मिस करते कभी चलाते। या एक ब्राह्मण कुल की रीत है, नियम है, जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे या भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए सेवा केंद्र के वायुमंडल के लिए आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है। महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता।
एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को बुद्धि को स्थित करना है, एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता के समीपता की निशानी सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनाते एकांतवासी बन जाते थे। या अनुभव किया ना, एक घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ, बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया। तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो, ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी और किसी की है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने से तके हुए आएंगे, साइलेंस की शक्ति के साधन द्वारा नजर से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की या महिमा करेंगे। या ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है या फिर सुनाएंगे, लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। समझा? आज पंजाब आया है ना, पंजाब में सेवा का महत्व भी साइलेंस की शक्ति का है। साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। जैसे स्थापना के आदि के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना, तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। वाणी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, तो प्रकृति पति की शांति की लहर चारों ओर नहीं फैल सकती? साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी में परिवर्तन कर देता है। साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं। तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती? तो पंजाब वालों ने क्या सुना? सभी को वाइब्रेशन आवे कि कोई शांति का पुंज शांति की किरणें दे रहे हैं। ऐसी सेवा करने का समय पंजाब को मिला है। फंक्शन प्रदर्शनी आदि वहां तो करते ही हो, लेकिन इस शक्ति का अनुभव करो और कराओ। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है उतना दूर तक लाइट दे सकता है। तो पंजाब वालों के लिए यह समय है इस शक्ति को प्रयोग में लाने का। समझा? अच्छा, आंध्र प्रदेश का भी ग्रुप है, वहां क्या करेंगे? तूफान को शांत करेंगे। आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं ना, तूफान को शांत करने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। तूफानों में मनुष्य आत्माएं भटक जाती है, तो भटकी हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना या आंध्र वालों की विशेष सेवा है। अगर शरीर से भी भटकते हैं तो पहले मन भटकता है, फिर शरीर भटकता है। मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने लिए भी बुद्धि काम करेगी। अगर मन का ठिकाना नहीं होता तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि काम नहीं करती। इसीलिए सबके मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इस शक्ति को कार्य में लगाओ। दोनों को तूफानों से बचाना है। वहां हिंसा का तूफान है, वहां समुद्र का तूफान है, वहां व्यक्तियों का है, वहां प्रकृति का है, लेकिन है दोनों तरफ तूफान।
तूफान वालों को शांति का तोहफा दो, तोहफा तूफान को बदल लेगा। अच्छा, चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, बाप दादा को बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी एक दिन के राज पिपीला गुजरात मेले में जाने की छुट्टी ले रही है। विशेष आत्माओं के हर कदम में पद्मों की कमाई है, बड़ों का सहयोग भी छत्र छाया बन चार चांद लगा देता है। जहां भी जाओ वहां सभी को एक एक के नाम से याद प्यार स्वीकार कराना। नाम की माला तो भक्ति में बच्चों ने बहुत जपी, अभी बाप या माला शुरू करेंगे तो बड़ी माला हो जाएगी। इसीलिए जो भी जहां भी बच्चे विशेष आत्माएं जाते हैं वहां विशेष उमंग उत्साह बढ़ जाता है। विशेष आत्माओं का जाना अर्थात सेवा में और विशेषता आना यहां से शुरू होता है। सिर्फ धरती में चरण घुमाकर जाना तो चरण घुमाना माना चक्कर लगाना। यहां सेवा में चक्कर लगाते हो वहां भक्ति में उन्होंने चरण रखने का महत्व बताया है। लेकिन शुरू तो सब यहां से ही होता है, चाहे आधा घंटा एक घंटा भी कहां जाते हो तो सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन यहां सेवा होती है, भक्ति में सिर्फ चरण रखने से खुशी अनुभव करते हैं। सब स्थापना यहां से ही हो रही है, पूरा ही भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यहां से ही पड़ता है, सिर्फ रूप बदली हो जाएगा। तो जो भी मेला सेवा के निमित्त बने हैं अर्थात मिलन मनाने की सेवा के निमित्त बने हैं, उन सभी को बाप दादा मेले के पहले मिलन मेला मना रहे हैं। यहाँ बाप और बच्चों का मेला है, वहां सेवा का मेला है। तो सभी को दिल से याद प्यार। अच्छा, दुनिया में नाइट क्लब होते हैं और यहाँ अमृत वेला क्लब है। दादियों से आप सब अमृत वेले के क्लब की मेंबर्स हो, सभी देख करके खुश होते हैं, विशेष आत्माओं को देख करके भी खुशी होती है। अच्छा, विदाई के समय सतगुरुवार की याद प्यार प्रातः 6 बजे, वृक्षपति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप का याद प्यार और नमस्ते। बृहस्पति की दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है ही, राहु की दशा और अनेक दशाएं समाप्त हुई, अभी एक ही वृक्षपति की बृहस्पति की दशा हर ब्राह्मण आत्मा की सदा रहती है। तो बृहस्पति की दशा भी है और दिन भी बृहस्पति का है, और वृक्षपति अपने वृक्ष के आदि पत्तों से मिलन मना रहे हैं। तो सदा याद है और सदा याद रहेगी, सदा प्यार में समाये हुए हो और सदा ही प्यारे रहेंगे, समझा। वरदान पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस पवा, वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो, तब लाइट माइट हाउस पर वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। स्लोगन, संकल्प समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।